मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चूना भट्टी बीकेसी पुल पर विवाद खड़ा हो गया है। एनसीपी के एमएलए नवाब मलिक ने जेसीबी पर चढ़कर भाषण दिया और इस बीकेसी पुल की उद्घाटन की बात की है। नवाब मलिक का कहना है कि पुल पूरी तरह से तैयार है मगर इसे खोला नहीं जा रहा है। ऐसे में नवाब मलिक ने कहा है कि मैं खुद बीकेसी पुल को जनता के लिए खोल दूंगा, जिसके बाद पुल पर भारी पुलिस का बंदोबस्त तैनात किया गया है। और मुंबई पुलिस ने नवाब मलिक और उनके कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर कहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन न पैदा करें। नवाब मलिक ने कहा था कि ये पुल अगर नहीं खोला गया तो मैं खुद वहां जाकर जनता के लिए खोल दूंगा, जिसके बाद से मुंबई पुलिस बीकेसी पुल पर तैनात है। दरअसल नवाब मलिक का कहना है कि ये पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है मगर सीएम के पास उद्घाटन के लिए समय नहीं है। हम इस क्षेत्र के विधायक के नाते हमने इस पुल की मंजूरी दी थी 2014 में भूमि पूजन किया गया, 5 साल में पुल बनकर तैयार हो गया। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री इसका कहीं ना कहीं फीता काटने वाले थे लेकिन फीता नहीं कटा कुछ कमियों के कारण। 2.5 महीने से पुल बनकर तैयार है। कमिश्नर साहब नई सरकार का मुख्यमंत्री फीता काटेगा इसलिए रुके पड़े थे और लोगों की परेशानी है। अगल बगल में 7.25 घंटे ट्रैफिक लग रही है। हमने लोकतंत्र में आंदोलन किया, कमिश्नर साहब ने 1 सप्ताह का समय मांगा है बिना किसी कार्यक्रम के लिए, जनता के लिए वो खोलेंगे हमें आश्वासन दिया है। कुछ सिग्नल के काम है जो सप्ताह भर के भीतर कर लेंगे, हमें उनके शब्दों पे विश्वास है। हमने ये भी कहा है कि सप्ताह भर के भीतर आपने नहीं किया तो हम जो पिलर आपने अड़चन पैदा करने के लिए रखे हैं रात में क्रेन से हटा देंगे और जनता के लिए खोल देंगे। वहीं MMRDA का कहना है कि आखिरी का काम इस पुल पर बाकी है जो किया जा रहा है। करीब 10 से 15 दिन और लगेंगे इस पुल को तैयार होने में, मगर देखने वाली बात ये होगी कि क्या नवाब मलिक वहां जाकर इस पुल को खोल पाएंगे या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।